इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। 12वीं क्लास की दो छात्राएं नदी के बहाव में बही, एक छात्रा को लोगों के द्वारा बचाया गया, दूसरी छात्रा की तलाश में प्रशासन जुटा। 12वीं की छात्रा नदी में बही, सुरक्षा दस्ता तलाश में जुटा। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिवनी में अध्ययनतरता कक्षा। 12वीं की छात्रा शुक्रवार को हुई तेज बारिश से उफनते नाले में पैर फिसलने से बह गई। एनडीआरएफ की टीम और पुलिस तलाश में जुटी है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनबाड़ा थाना अंतर्गत ग्राम हतनापुर निवासी कुमारी साक्षी पिता दीपक सनोरिया कक्षा 12वीं में अध्ययनरत छात्रा, जो कि अपने चाचा के यहाँ ग्राम सरगापुर में रहकर पढ़ाई करती थी, वे अपनी सहपाठी ऋतु पिता राम सनोरिया के साथ शुक्रवार को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिवनी से शाम को घर वापसी हो रही थी। रास्ते पर पानी अधिक होने पर दोनों पानी कम होने का इंतजार करने लगी। लगभग रात्रि 8 बजे के करीब बैनगंगा नदी पर बने रपटा में पानी कम होने पर जब वह रपटा पार कर रही थी, तब दोनों छात्राओं के पैर फिसलने से बह गई। रितु को तैरना आता था और वह संभल गई, परंतु साक्षी पानी के तेज बहाव के कारण बह गई। घटना संगई के पास बैन गंगा पर बने रपटा की है। एनडीआरएफ की टीम और पुलिस टीम दोनों मिलकर नाव से ढूंढने का प्रयास कर रही है। घटना की जानकारी मिलने पर सिवनी कलेक्टर सिंगल सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन जिला पंचायत उपाध्यक्ष लल्लू बघेल मौका स्थल पर पहुंच गए। शनिवार की दोपहर तक छात्रा की तलाश जारी है। और यहाँ अंदर आए तो कह गए, जब इनको आवाज आई इन दो लोगों ने कूदा, एक बच्ची को इन लोगों ने पकड़ा, जिसके साथ में था वही लड़का, उसने पकड़ के निकाला, दूसरी बच्ची को हाथ लगा के वो निकल गया। वो वहाँ पर जाए वो वाले इस पार गहरे वाले, तो उस तरफ डाइवर्ट हो गए, तो बचा नहीं पाए। जब ये दूसरी बार आया था तो पता नहीं था। हाँ, घुसी जब नहीं मालूम, तो पहली बार तो अपन ने मना कर दिया था कि बाद में बात जिसकी जिसकी पानी तेज था कि कम था? पानी तेज ही था, पानी कम हो गया था, तब हम आए थे, थोड़ी थोड़ी भीग गए थे, फिर वो उसकी तबीयत भी खराब थी, उसकी तबीयत भी खराब थी, तो वो बोलती करके कि चलते, तो फिर वो बोलती करके कि हाथ में जूती रख लेते उतार के, फिर उन्होंने कही करके कि साइकिल रख देते, फिर उन्होंने उसकी साइकिल भी नहीं रखी, मैंने ही रखी उसकी साइकिल। आप दोनों साइकिल से? साइकिल से यहाँ तक आए थे और यहाँ से नदी पार पैदल कर रहे थे, साइकिल वहाँ रखी। फिर क्या हुआ बेटा? फिर हम आधी दूर गए, बहाव तेज था, तो वो इधर साइड थी मैं उधर साइड थी, वो मेरे वो उसका बैलेंस बिगड़ा, वो मेरे ऊपर आई, हम दोनों बह गए। फिर आधी दूर मुझे तैरता आता था, वो अंकल इधर बैठे थे, फिर तैरते थे हाथ ऊपर की, तो फिर आवाज जा रही थी, मतलब सर ऊपर आ रहा था, तो फिर चिल्लाई करके कि बचाओ बचाओ, तो फिर उन्हें सुने, फिर आधी दूर तक आई मैं, फिर उन्होंने मेरे को खींचे, फिर मेरे को खींचे उन्हें, फिर मैंने साक्षी चिल्लाई, फिर मैं और आगे तक गई, फिर उधर पर टापू था वहाँ पर वो रुक गई थी, खड़ी हो गई थी, फिर उतने में वो अंकल पैंट उतार रहे थे, उतने देर में उन्हें कही करके कि मैं रुकी हूँ, हम चिल्ला रहे थे करके वहीं रुक। फिर वो रुकी थी, उतने में वो भी घबरा गई थी बहुत, तो उसका पैर में पता नहीं कुछ हुआ होगा, तो वो भी बहगी। हाँ, उसके हम उसको ढूंढने के लिए बहुत आगे तक भी गए। हम तीन लोग थे, अताड़ू अंकल थे और सुप्रीम अंकल थे और मैं थी। तो आप बाहर आ गए, वो नहीं मिल पाया, कोशिश की। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज,
देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।